और काफी अच्छा एक नए लड़कों में जोश भरने का काम वो करते हैं और इसी से आगे एक नई एनर्जी उनमें तैयार एमआईटी कॉलेज में। तो कुछ भाई लोगों से हम मिलने के लिए आए थे, आप देख सकते हो। हेलो गाइस, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आया हूँ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में और आपको दिखाता हूँ यहाँ की मैक्सिमम जिम में मैं जाऊँगा तो वहाँ पे क्या एक्सरसाइज करूँगा वो आप सबको दिखाऊँगा और औरंगाबाद के जो भी टॉप मोस्ट जिम है वो भी आपको दिखाऊँगा। तो चलते हैं अपने सफर पे। अभी हम आए हैं अल्टीमेट हीरोज करके जिम में, तो चलते हैं। हेलो गाइस, आज की एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, आप देख ही रहे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का अल्टीमेट हीरोज। और बहुत हाईली एक्सरसाइज हो गई, प्रोटीन शेक पिया जा रहा। मेरे साथ में जिम के कोच है, जिम का एड्रेस है बीड बाईपास पे औरंगाबाद में, अल्टीमेट हीरोज करके जी। तो आप जिम को विजिट दीजिए जी, बहुत बढ़िया जिम है। तो मिलते हैं अभी। ओके साथ गाइस, ये हमारे साथ थे अपने जीवन भाई, ये मेरे भांजे हैं। तो आज इनके साथ ही एक्सरसाइज हो गई, अच्छी हो गई एक्सरसाइज। तो मिलते हैं अभी, कल ट्रैवलिंग शुरू है। चलो अभी हम आए हैं जिम प्लैनेट में, तो चलो। Thank you.
अभी हम औरंगाबाद में थे कॉलेज हाँ MIT कॉलेज में, तो कुछ भाई लोगों से हम मिलने के लिए आए थे। आप देख सकते हो हाथ दिखा, तो अभी चलते हैं अभी अगले जर्नी की तरफ। आज हम आए हैं गोल्ड स्टार जिम में, तो चलते हैं। Thank you.
हेलो गाइस, आज हम आए गोल्ड स्टार जिम में। आप देख सकते हो आज हमने यहाँ पर शोल्डर और ट्राइसेप की एक्सरसाइज की, तो अभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो निकलते हैं अपने अगले सफर में। अभी हम आए थे बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, चिखली करके तालुका है, औरंगाबाद से निकले थे, जालना में बीच में रुके थे और जालना से 60 किलोमीटर दूर अभी चिखली तालुका में आए हैं। और ये अपने कुछ भाई लोग हैं और ये जिम का नाम है आरबी फिटनेस, और बहुत उन्होंने अच्छी तरह से स्वागत किया तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे सारे ओनर जिम के तुषार भाऊ बोंद्रे, हाँ नहीं हाँ, आज हमारे जिम में संतोष वाघ जो बॉडी बिल्डर है, इन्होंने आरबी फिटनेस में अपने जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा गाइडेंस किया है, उनका हौसला बढ़ाने के कुछ टिप्स दिए हैं और काफ़ी अच्छा एक नए लड़कों में जोश भरने का काम वो करते हैं और इसी से आगे एक नई एनर्जी उनमें तैयार होंगी, ऐसा उनका कहना है। तो चलते हैं अपने अगले सफर पे, मिलते हैं।